एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियांशु। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स के साइंस का सेकंड चैप्टर, विच इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर में ये देख चुके थे कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका हम लिस्ट बनाए थे। ठीक है, और क्या किए थे कि दूसरे अलग अलग पार्ट्स में, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कौन कौन सा खाना खाया जाता है उसको भी हमने मैप पर लोकेट किया था। ठीक है, तो आपके हिसाब से खाना क्या होता है? मील यानी फूड। ठीक है, खाना। अब खाना क्या हो सकता है? अब खाना हो सकता है कि चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, ये भी एक तरीके का मील है। ठीक है, और फिर अनदर में भी राइस, सांभर, अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर। अब क्या हो सकता है कि राइस हो सकता है, सांभर हो सकता है, या भिंडी की सब्जी, लेडीज़ फिंगर। ठीक है, तो और क्या हो सकते हैं? अब नॉनवेज में देखा जाए तो अप्पम हो सकता है, फ़िश करी, और वेजिटेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे हमें पिक्चर भी दिया हुआ है। यहाँ रोटी है, यहाँ दाल होगा, यहाँ सब्जी है। ठीक है, तो हम एक्टिविटी वन कर लेते हैं। इन एक्टिविटी में क्या करना है? आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। अब हम ये जानते हैं कि जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं उसमें ऐसा एक आइटम ज़रूर होता है जो कि किसी न किसी ग्रेन से बना हुआ हो। ठीक है, मतलब किसी न किसी अनाज से बना हुआ हो। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। और दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं? दाल हो सकता है, या कोई भी नॉनवेज मीट की डिश हो सकती है ना, जैसे चिकन हो सकता है या जो कुछ भी है ना। तो और क्या लिखा है यहाँ पर? और वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, अब आइटम्स कौन कौन से तरह के हो सकते हैं? जैसे कर्ड होता है, बटर मिल्क होता है, पिकल्स होते हैं, पिकल्स यानी अचार। ठीक है, कर्ड यानी दही। तो ये सारी चीज़ें हमारे खाने में ऐड होती हैं। ठीक है, मील में हमारी ये सारी चीज़ें भी आती हैं। सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन 2.1। अब इस 2.1 में हमें क्या दिया है कि अलग अलग स्टेट में, इंडिया के अलग अलग स्टेट में कौन कौन से आइटम जो ग्रेन से बने हुए होते हैं वो खाया जाता है, दाल या मीट या वेजिटेबल या कुछ और जो साथ में लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है। अब हमें क्या करना है कि सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन मैप इन चैप्टर वन। अब तुम्हें उन फूड आइटम्स को सेलेक्ट करना है जो तुम चैप्टर वन में मैप पर लोकेट किए थे। ठीक है, कि कौन सी, कहाँ का, इंडिया के किस किस देश में कौन कौन सा खाना खाया जाता है, सॉरी स्टेट में कौन कौन सा खाना खाया जाता है। ठीक है, अब ऐड सम मोर मील्स टू दिस। अब यहाँ पे दो दिया हुआ है, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा कभी कभी होता है कि जिस वैरायटी का खाना हम देखे हैं, हम हर वैरायटी का खाना नहीं खा पाते, क्योंकि जैसे कि हो सकता है उनके पास ना हो जो भी है ना, उनके पास ना हो, या हम ट्रैवलिंग कर रहे हों, जैसे कि गरीब लोग होते हैं उनके पास बहुत कम मतलब क्वांटिटी में खाना होता है, इसलिए हो सकता है कि उन्हें ना मिलता हो जिस वैरायटी का खाना हमने देखा, जैसे चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, या राइस, लेडीज़ फिंगर, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो या तो हो सकता है कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हों तो जो भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है वही हम खा पाते हैं, है ना। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। अब मैंने जो कहा कि जो गरीब लोग होते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास मतलब ये हर टाइम इस टाइप का खाना अवेलेबल नहीं होता, वो नहीं खा पाते हैं। ठीक है, देयर मस्ट बी सम रीज़न। तो अब उसके पीछे कोई रीज़न भी हो सकता है कि वो खाना क्यों नहीं खा पाते हैं। ठीक है, व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ वैरायटी। अब आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर इतनी वैरायटी के डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया जाता है। ठीक है, मतलब इतना डिस्ट्रीब्यूशन हमारे खाने में, जैसे रोटी भी है, दाल भी है,
सब्जी भी है। तो आप कभी सोचे हो कि क्यों रहता है? डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? अब आप ये जान क्या आप ये जानते हो कि या सोच सकते हो हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके के फूड की ज़रूरत पड़ती है, वो भी अलग अलग फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि आप कि आखिर ऐसा क्या होता है खाने में जो हमारी बॉडी को ज़रूरत में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अब डिफरेंट तरीके के फूड आइटम क्या क्या होता है उनमें, तो आप ये अच्छे तरीके से जानते हो कि कोई भी चीज़, कोई भी डिश अगर बनती है तो उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट का यूज़ किया जाता है। इंग्रेडिएंट यानी मतलब जो भी चीज़ें उस खाने में डल रही हैं, जैसे कि आप राइस बनाते हो तो उसमें पानी भी लगता है और राइस भी लगता है ना, तो ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। ठीक है, जो कि हमें ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्लांट से भी मिल सकते हैं या एनिमल से भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो कुछ कंपोनेंट को रखते हैं, उनके पास उनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी उसे उस मतलब अपनी हमारी बॉडी उस ये जो कंपोनेंट होते हैं वो हमारी बॉडी के नीड को ठीक करते हैं। ठीक है, तो इन जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, आप न्यूट्रिएंट्स का नाम सुने होंगे। तो जो द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड, अब जो हमारी बॉडी में जो मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये हमारे मतलब ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड में पाए जाते हैं। ठीक है, इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी। अब इनके साथ साथ डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं और वाटर भी होता है। ठीक है, आपके लिए सब कुछ नया नया होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स या डाइटरी फाइबर्स क्या होता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो क्या हमने यहाँ तक ये पढ़ा कि फूड में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर होता है। ठीक है, लेकिन क्या ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हर खाने में पाए जाते हैं? मतलब एक नहीं, सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स या जो कुछ भी अभी तक हम पढ़े हैं वो क्या हर खाने में पाए जाते हैं? तो हमारे पास बहुत सारे सिंपल मेथड्स हैं ये टेस्ट करने के लिए कि क्या कुक्ड फूड या तो रॉ इंग्रेडिएंट यानी कच्चा खाना, कच्चा जो सामान है या पका हुआ जो फूड है उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं, इसका टेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल मेथड्स हैं। ठीक है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो टेस्ट करना है कि किसी भी खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है या नहीं, वो ज़्यादा सिंपल है बाकी इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट करना। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को हम मतलब इजीली ये जान सकते हैं कि किसी भी खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है या नहीं, लेकिन ये जानने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी कि मिनरल्स, विटामिन से ये दोनों चीज़ें किसी भी खाने में हैं या नहीं। ठीक है, तो अब हमें ये टेस्ट करना है कि खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है या नहीं, तो उस टेस्ट के करने के लिए हमें कुछ ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हमें क्या क्या ज़रूरत है? आयोडीन की ज़रूरत है, कॉपर सल्फेट की, कॉस्टिक सोडा की, ठीक है, और कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और कुक्ड फूड और रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो टेबल 2.2 में हमें ये दिखाया गया है कि ऑब्जर्वेशन किस मतलब टेस्ट के ऑब्जर्वेशन को दिखाया गया है। कहाँ है 2.2? ये है, देखो ये है हमारा 2.2। तो इसमें क्या है कि हमें यहाँ पे देखो फूड आइटम्स दिया है, किस फूड आइटम यहाँ पे देखो रॉ पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, अनकुक पाउडर राइस, ये ठीक है, ये हमारे फूड आइटम्स हैं। और अब हमें इसमें टेस्ट करना है कि इस खाने में स्टार्च है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं, फैट है या नहीं। ठीक है, तो ये टेस्ट करने के लिए हमें
यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं उसे हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, ये ध्यान रखना कि जो आप एक्टिविटी करोगे तो किसी भी चीज़ को या किसी भी केमिकल को आप खाने की या टेस्ट करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। और अगर आपके पास ये जहाँ यहाँ पे जो टेस्ट करने के लिए जो सॉल्यूशंस का नाम दिया गया है, जैसे कि कॉपर सल्फेट, आयोडीन या कॉस्टिक सोडा, अगर ये रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो आप अपनी टीचर को बोल सकते हो, टीचर आपकी उसे बॉक्स में बना सकती हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि किसी भी खाने में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कितनी होती है या होता है या नहीं, ठीक है। तो बहुत अलग अलग तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन जो हमारे फूड में जनरली पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो होते हैं स्टार्च और शुगर, ठीक है। ये हमारे खाने में पाए जाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च और शुगर, ठीक है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ फूड आइटम कंटेन स्टार्च, हम बहुत ज़्यादा ईजिली टेस्ट कर सकते हैं कि किसी भी खाने में स्टार्च है या नहीं। तो ये हमारा अब स्टार्च को चेक करने के लिए एक्टिविटी। तो हमें क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, हमें थोड़े से क्वांटिटी में एक फूड आइटम लेना है या किसी भी रॉ इंग्रेडिएंट लेना है, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना। देखो, अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि डाइल्यूट यानी होते हैं थोड़ा कम हार्मफुल, ठीक है, लेकिन वहीं अगर कंसंट्रेटेड हो जाएगा, आप आगे पढ़ोगे कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड जो हो जाएगा वो थोड़ा ज़्यादा हार्मफुल होगा, ठीक है। तो हमें क्या लेना है कि डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है 2 to 3 ड्रॉप्स, ठीक है। उसमें हमें उसे डालना है, आयोडीन को फूड आइटम में डालना है। उसके बाद हमें ऑब्ज़र्व करना है कि क्या उसके फूड आइटम में कुछ कलर में चेंज आया, तो क्या वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर, देखो यहाँ पे इन लोग भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में अगर चेंज हुआ तो वो स्टार्च है, उस खाने में स्टार्च है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो नहीं है। और ये हमने सिर्फ पोटैटो के लिए, कौन से हमने किसी भी खाने को लेकर किया है, ठीक है। तो आप और जो भी आपके घर में सामान है आप उसे लेकर ट्राई कर सकते हो कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोटीन के लिए हमें क्या टेस्ट करना है। तो प्रोटीन के लिए हमें क्या लेना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी, वैसे ही हमें खाना लेना है, फूड आइटम लेना है। उसके बाद वो अगर सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में हो तो हमें या तो उसका पेस्ट बना लेना है या तो उसे पाउडर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। उसे ग्राइंड या मैश कर सकते हैं, थोड़े से बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए, ठीक है, उसे ग्राइंड कर लो या मैश कर लो, ठीक है। उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है, ठीक है, उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डालना है एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। वो क्लीन होना चाहिए टेस्ट ट्यूब, और उस टेस्ट ट्यूब को शेक करना है यानी हिलाना है, ठीक है। हिलाने के बाद आप एक ड्रॉपर की हेल्प से उसमें 2 ड्रॉप क्या डालोगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है। उसके बाद 10 ड्रॉप्स क्या डालोगे, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने क्या पहले किया, हमने ये किया कि टेस्ट ट्यूब हम लिए, उसमें हम 10 ड्रॉप्स वाटर डाले, 10 ड्रॉप्स वाटर डालने के बाद हमने उसे हिलाया टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद टेस्ट ट्यूब हिलाने के बाद हम उसमें ड्रॉपर का यूज़ करके 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट डालेंगे और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा डालेंगे, ठीक है। जैसे देखो ये कर रहा है एक्टिविटी, यहाँ पे हमें देखो कॉस्टिक सोडा है और ये क्या है, कॉपर सल्फेट। उसे हमें फिर से हिलाना है टेस्ट ट्यूब को, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को फिर से हमें हिलाना है और कुछ देर के लिए हमें टेस्ट ट्यूब स्टैंड पर रख देना है, ठीक है, फ्यू मिनट्स के लिए। उसके बाद हमें उसमें देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या वो टेस्ट ट्यूब वॉयलेट कलर में चेंज हो गया है। अगर वो वॉयलेट कलर में चेंज हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन है, ठीक है। ये एक्टिविटी आप किसी और फूड आइटम के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि टेस्ट फॉर फैट क्या करेंगे, मतलब हम फैट को टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि किसी भी फूड आइटम में फैट है या नहीं। तो हमें क्या करना है, एक फूड आइटम लेना, ठीक है, मतलब हर जो टेस्ट है उसमें थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना है।
उसके बाद उसे जो भी आप फूड आइटम ले रहे हो उसे एक पेपर में रैप कर देना है, रैप कर देना है यानी उसे उसे कवर कर देना है पेपर से। उसके बाद पेपर से कवर करने के बाद ये देखना कि वो पेपर फटे नहीं, ठीक है, उसे क्रश करना है पेपर के अंदर ही और ये देखना कि वो फटे नहीं, ठीक है। उसके बाद हमें पेपर को सीधा करना है, उस फूड आइटम को हटाना है और आप देखना कि उसमें ऑयली पैचेस आए हैं या नहीं उस पेपर में, ठीक है। तो ये ऑयली पैचेस अगर हैं तो आप उसे लाइट में जाकर देखो क्या वो ऑयली पैचेस दिख रहे हैं, ठीक है। अगर वो ऑयली पैचेस हैं, द ऑयली पैचेस शो द फूड आइटम कंटेन फैट। अब अगर ऑयली पैचेस हैं तो वो फैट कंटेन करता है वो फूड आइटम। द फूड आइटम मे समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो फूड आइटम है वो थोड़ा वाटर भी कंटेन करता हो, उसमें कुछ वाटर भी हो, ठीक है। आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर वाइल। अब अगर तुम उसे मैश कर ली हो उसके बाद उसे कुछ देर के लिए सूखने के लिए रख दो, ठीक है। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। अगर पानी होगा उस फूड आइटम में तो वो सूख जाएगा हमें रखने के बाद, ठीक है। अब इफ़ नो ऑयली पैचेस शो अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फूड। अब हम ये देख चुके हैं कि अगर ऑयली पैचेस हो पेपर में तो फूड आइटम क्या कंटेन करता है, फैट, और अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है नहीं होता है, ठीक है। अब व्हाट डू दिस टेस्ट शो, अब आखिर ये टेस्ट क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि जो फूड किसी भी फूड आइटम में फैट, प्रोटीन या स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, ये दिखा रहे हैं, ठीक है। अब वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। अब हम क्या टेस्ट किए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को टेस्ट किए थे किसी भी फूड आइटम में है या नहीं। अब देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा मिनरल्स और विटामिन्स टाइप के भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, ठीक है। अब व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, अब हमें ये न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है, तो ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम अपनी दूसरे लेक्चर में ये देखेंगे कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, अब जो ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।